नमस्कार दोस्तों, EMFT लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो से हम अब प्लेन वेव के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लेन वेव क्या होता है, कैसे बनती है, वो मैं आपको बताऊंगा। प्लेन वेव, इफ़ द फेज ऑफ वेव इज़ सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ सरफेस देन वेव इज़ प्लेन वेव। यानी कोई भी वेव अगर किसी भी सरफेस के हर पॉसिबल पॉइंट पे सेम फेज रखती है तो उसे प्लेन वेव कहा जाता है। यूनिफॉर्म प्लेन वेव क्या होती है, इफ़ अ वेव हैज़ सेम फेज एट एवरी पॉइंट ऑफ सरफेस विद कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड देन वेव इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म प्लेन वेव। कोई भी वेव है, सरफेस जो है आई थिंक वो 2D होता है, और उस सरफेस के हर पॉसिबल पॉइंट पे किसी भी वेव का फेज अगर सेम है और एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है तो उसे यूनिफॉर्म प्लेन वेव कहा जाता है। प्लेन वेव इक्वेशंस हम डिराइव करेंगे। उससे पहले हमने मैक्सवेल इक्वेशंस को इन डिटेल डिस्कस किया है। पहली मैक्सवेल इक्वेशन थी डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, जो था वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बराबर था। दूसरी इक्वेशंस थी जो आपका डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, दैट इज़ इक्वल टू 0। तीसरी जो मैक्सवेल इक्वेशन थी वो थी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल है, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू माइनस कर्ली बी अपॉन कर्ली टी, राइट। और फोर्थ इक्वेशन थी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो कर्ल है, दैट इज़ इक्वल टू कंडक्शन करंट डेंसिटी प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। और अगर मैं सोर्स फ्री रीजन कंसिडर करूं, सोर्स फ्री रीजन, तो सोर्स फ्री रीजन है तो यहाँ चार्ज का कोई भी सोर्स वहाँ पे नहीं होगा, तो वहाँ पे हमारी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो 0 हो जाएगी। और इस कंडीशन पे जो फर्स्ट इक्वेशन है वो बन जाएगी डेल डॉट डी, दिस इज़ इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वहाँ पे 0 हो गई। अब डी क्या होता है, एप्साइलन इंटू ई, राइट। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, दिस इज़ डाइवर्जेंस ऑफ एप्साइलन इंटू ई इज़ इक्वल टू 0। एप्साइलन कॉन्स्टेंट होता है, बाहर ले जाइए तो ये आ जाएगा डेल डॉट ई इज़ इक्वल टू 0। तो इन शॉर्ट यहाँ से एक इक्वेशन डेवलप होगी, दिस इज़ डाइवर्जेंस ऑफ ई, ई आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज़ इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे फर्स्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जिसका हम यूज़ करेंगे टू डिराइव द प्लेन वेव इक्वेशन। दूसरा जो है वो क्या है, देख लीजिए, ये जो था आपका, अब देखिए डेल डॉट बी, दिस इज़ इक्वल टू 0। बी क्या होता है, परमिएबिलिटी इन टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सो दिस इज डेल डॉट म्यू इन टू एच, दिस इज इक्वल टू 0। म्यू कॉन्स्टेंट है, बाहर ले जाइए तो ये बनेगा डेल डॉट एच, दिस इज इक्वल टू 0। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट इक्वेशन बनी, मैक्सवेल इक्वेशन, दिस इज डेल डॉट एच इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो यहाँ पे यूज हो सकता है। तो ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हम मैक्सवेल की जो थर्ड इक्वेशन है, ये इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशियल फॉर्म में है, लेकिन इसको हमें फेजर फॉर्म में लिखना होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, दिस इज डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस करली अपॉन करली टी को हम जे ओमेगा से रिप्लेस कर देते हैं अगर डिफरेंशियल फॉर्म को फेजर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो करली अपॉन करली टी एज इट इज़ लिख दो, और जो बी है इसको आप म्यू इंटू एच लिख दीजिए, राइट। अब जो आपका कर्ली अपॉन कर्ली टी है उसको जे ओमेगा, तो माइनस जे ओमेगा म्यू इंटू एच, राइट। और ये बन गया आपका कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट थर्ड इक्वेशन बन चुकी है। इसी के साथ जो लास्ट मैक्सवेल इक्वेशन है वो देख लीजिए, वो क्या होगा, दिस इज कर्ल ऑफ एच
जेसी क्या है, दिस इज सिग्मा इनटू ई, प्लस जेडी क्या होता है, ये होता है आपका कर्ली डी अपॉन कर्ली टी। इसको अब आप फेजर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, कर्ली क्रॉस एच, दिस इज सिग्मा इनटू ई प्लस कर्ली अपॉन कर्ली टी को मैं जे ओमेगा लिखूंगा और डी को मैं एप्साइलन इनटू ई लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ये बन गया आपका, राइट। तो अब आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉमन ले सकते हो, तो ये क्या बना, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्साइलन मल्टीप्लाई ई वेक्टर। तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई है। हमने सोर्स फ्री रीजन को कंसिडर किया है और उसके बाद फेजर फॉर्म्स में मैक्सवेल इक्वेशंस को लिख दिया है, तो ये बहुत आसान काम था। अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब देखो, अगर मैं इस थर्ड इक्वेशंस को कर ले लूँ तो क्या होगा, मैं लिखूँगा टेकिंग कर्ल ऑफ थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या बन जाएगा, जे ओमेगा म्यू, इसके साथ ये तो बाहर आ जाएगा और जो एच है उसका हमें कर्ल निकालना होगा क्योंकि कर्ल एक वेक्टर का लिया जाता है। तो ये होगा माइनस जे ओमेगा म्यू मल्टीप्लाई कर्ल ऑफ एच, ठीक है। अब जो कर्ल ऑफ एच है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कर्ल ऑफ एच के बजाय ये एक्सप्रेशन आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो वो एक्सप्रेशन आप पुट कर लीजिए। तो देखिए, दिस इज डेल क्रॉस ई, ठीक है, और ये बन गया आपका माइनस जे ओमेगा म्यू, और इसी के साथ आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे सिग्मा प्लस जे ओमेगा ई और मल्टीप्लाई विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आ गया, राइट। तो ये जो है, अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का दो बार कर्ल ले रखा है, तो एक वेक्टर आइडेंटिटी है उसका हम यूज़ करेंगे। वो क्या फार्मूला होगा, यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी। वेक्टर आइडेंटिटी क्या कहती है कि किसी भी वेक्टर का अगर दो बार कर्ल आप लेते हो तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो। फार्मूला क्या है, लैप्लेसियन ऑपरेटर, दिस इज डेल स्क्वेयर ए, ये वेक्टर ही होगा, ये क्या होता है आपका ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर माइनस कर्ल ऑफ ए वेक्टर, राइट, ये है। तो अब आप ये ध्यान से देखिए, कर्ल ऑफ ए वेक्टर है और यहाँ पे ई वेक्टर है, तो पहले इसका एक्सप्रेशन लिख दीजिए आप। तो इसका एक्सप्रेशन जब लिखोगे तो ये किस तरीके से रिप्लेस हो जाएगा आपका, इसको आप लेफ्ट साइड ले जाइए, ये बन जाएगा कर्ल ऑफ ए और ये चीज़ इस साइड आ जाएगी, तो ये बन जाएगा डेल मल्टीप्लाई डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वेयर ए। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो इक्वेशन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का दो बार कर लिया गया है, यहाँ पे ए वेक्टर का दो बार कर लिया गया है, तो इस इक्वेशन की बजाय हम इसकी राइट हैंड इक्वेशन लिख सकते हैं और जहाँ यहाँ ए है वहाँ पे हम ई रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब अब इस प्रॉपर्टी का यूज इस इक्वेशन में करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर, ठीक है, माइनस डेल स्क्वेयर ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू, एज इट इज राइट हैंड साइड लिख दीजिए, दिस इज माइनस जे ओमेगा म्यू मल्टीप्लाई सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्साइलन इनटू ई फील्ड, राइट। अब इसके बाद देखिए आप यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ ई, सोर्स फ्री रीजन का केस कंसिडर किया तो जीरो होता है, तो यानी ये सारी टर्म आपकी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और यहाँ नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा
और आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी, दिस इज डेल स्क्वेयर ई इज इक्वल टू जे ओमेगा म्यू मल्टीप्लाई सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्साइलन इनटू ई वेक्टर, राइट। ये आ चुका है। तो इस वीडियो में बच्चों मैंने इस इक्वेशन को सक्सेसफुली डिराइव कर लिया है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसका सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करेंगे, जहां पे हम प्लेन वेव इक्वेशंस को सक्सेसफुली डिराइव कर लेंगे। अब इसी वीडियो में कर सकता था बट वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं ये काम नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें कंप्लीट करके दिखाऊंगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।